ये भी कोई पता नहीं केड़ी भाषा सीख रहे हैं। सिस्टम है क्या? सिस्टम कोई सिस्टम नहीं होता भाई। अच्छा, अपना सिस्टम खुद बनाना पड़ता है। भैया आप बनाते हो सिस्टम? हाँ बनाते हैं, पूरा मकान बनाते हैं एकदम तकती भैया इनकी शक्ल की तरह। देखो अब मुन्नु भाई का कान सिलने आ रहा है यहाँ पे। भाई क्या मशीन वगैरह नहीं होती क्या? ये वैसे ही है ना। ये देखो भाई क्या हुआ, उसने बहुत शीशे में देखो। Hey guys, good evening and welcome back to the channel Shivai Vlogs. I hope सब बढ़िया हैं और अभी हम अपनी शॉप पे अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं रामलीला के लिए। तो ये अपने साथ अरुण इनसे इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, बहुत बार आ चुके हैं और अभी जरूरत ही नहीं है साले। क्या नहीं करवाएंगे भाई, क्या हाल चाल? और अभी हमने लिए न्यूज जैकेट, तो मैं भाइयों से पूछ रहा था कि भाई कैसी लग रही है चिड़िया, कैसी लग रही है? बढ़िया एकदम तकती भैया, इनकी शक्ल की तरह। सही बात है ना, कैसी लग रही है अरुण? बहुत अच्छी लग रही है भैया। सो गाइस आप भी बता देना कमेंट्स में कैसी लग रही है न्यू जैकेट लिया अभी हमने, और अभी हम यहाँ से जाएंगे रामलीला। और प्लीज कमेंट्स में ये बता देना कि न्यू हेयर स्टाइल भी कैसा लग रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसा लग रहा है न्यू हेयर स्टाइल? हेयर स्टाइल ठीक है भाई, आपने भी करा के है ना, ये पुराने हनी सिंह बन रहे हैं भाई, रैप हो जाए अन्ना भी ना डो शोप मार। हनी सिंह भी आज 9 साल बाद आया, जब तो 20 घंटे में 1 मिलियन पार दिए। सिस्टम हैंग इसे बोलते हैं भाई, सिस्टम हैंग। ये भी कोई पता नहीं केड़ी भाषा सीखेगा। सिस्टम हैंग क्या? सिस्टम कोई सिस्टम नहीं होता भाई। अच्छा, अपना सिस्टम खुद बनाना पड़ता है। भैया आप बनाते हो सिस्टम? हाँ बनाते हैं, पूरा मकान बनाते हैं हम, पूरा मकान बनाते हैं। आप ऐसे गुस्सा हो रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? आप पहले गुस्सा हो रहे हो? मैंने क्यों गुस्सा होना? आप हो रहे हो भाई, दिख रहा है आपकी शक्ल से दिख रहा है। सो गाइस चेक इट आउट, तो ये लिए हमने न्यू जैकेट। सो प्लीज कमेंट्स में बता देना भाई कैसी लग रही है, और ये कुछ अपना हेयर स्टाइल। सो अभी चलो यहाँ से निकल रहे हैं शॉप से, और शॉप भी अब हम क्लोज करने वाले हैं। सो कालाकोट में किसी भी अच्छे से अच्छे कपड़े लेने तो प्लीज विजिट अवर शॉप, और शॉप शॉप का नाम है मिन्हास रेडीमेड स्टोर, और ये है शॉप के ऑनर, ये है शॉप के ओनर, और मैं हूँ शॉप का वर्कर। सो प्लीज मिन्हास रेडीमेड में आओ, सारे अच्छी जीन्स मिलेंगी। अब विंटर कलेक्शन आने वाली है बहुत जल्द, भैया आने वाली है ना, मैं सभी को बोल रहा हूँ सभी यहीं पे आएंगे, और किसी को कॉस्मेटिक आइटम्स वगैरह सब कुछ जो भी लेना तो प्लीज यहाँ पे आ जाओ, और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलो अभी यहाँ से हम निकलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं रामलीला में जाके। गया बहुत ही मजा आने वाला आज रामलीला में, अच्छे अच्छे जो भी सीन्स होंगे वो सब कुछ दिखाएंगे, ठीक है? तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो सुनहरे की दुकान में कालाकोट में, तो अभी हम मनु भाई का कान सिलवाने आए हैं यहाँ, ये चेक करो गाइस। मनु भाई कौन सा सिलाते हैं, राइट लेफ्ट? कैसा फील आ रहा है आपको? फर्स्ट टाइम है भाई, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम तोड़वाने लगे कान। ये कौन सा, ये बल्कि लेफ्ट होता है राइट होता है? ये खुद पता चल जाएगा अभी आपको, राइट राइट है लेफ्ट है भाई। दो भाई ये कोके थे, मनु भाई ने पसंद कर दिए ये वाला कोका, ये देख सकते हो आप। अभी हम आया यहाँ पे पियर्सिंग कराने, और भैया कौन से कान में कराते हैं, लेफ्ट राइट? मिलकर सही असल की किस में कराना चाहिए? राइट में, राइट में। तो अभी हम राइट ईयर में कराएंगे पियर्सिंग, और फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो देखते हैं भाई कैसी फीलिंग आती है। दर्द नहीं होनी चाहिए बस। दर्द तो होगी। देखो अब मनु भाई का कान सिलने आ रहा है यहाँ पे। भाई सिलने गया मनु भाई का, रिएक्शन चेक करो। ये क्या था ये, अब पता चल रहा क्या था ये? भाई क्या मशीन वगैरह नहीं होती क्या? ये वैसे ही है ना। ये देखो भाई क्या हुआ, उसने देखो शीशे में देखो। तो गाइस दे, ये देखो कि मन्नू भाई ने कान सील भी लिया, ये चेक करो यार। मन्नू भाई एक्सपीरियंस शेयर कर दो ना भाई, मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा है, कैसा एक्सपीरियंस शेयर कर दो ना यार। नाइस एक्सपीरियंस, ऐसा वो टक 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 वो ऐसे लगता अंदर में। गाइस अभी हमने करा दी पियर्सिंग, और ये था एक्सपीरियंस, आपको पता चल गया होगा मेरे रिएक्शन कैसा आया था भाई, मुझे पता भी चला। और ये थे भैया जिन्होंने किया, और तुषार भाई ठीक ओए गलत है भाई ये, ठीक है थैंक यू भैया। तो गाइस हम भैया पंच भैया की शॉप पे, पंच भैया हाउ इज इट? चलो भाई पता क्या हुआ, ऐसा वो टक 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 एक ही बार, कान थोड़ा ज्यादा नहीं बड़ा लग रहा इसका? अब दिख रहा है ना, पहले को ध्यान नहीं देता। ये क्या हो रहा है यार,
भैया अच्छा लग रहा है यार, भैया ने भी हूं किया सिर्फ। सो देखते हैं यहाँ पे भाई कैसा लग रहा है। ये भाई दिख नहीं रहा कैमरा में, आई नहीं रहा। हाँ ये रहा यार वंशु भैया, व्हाट इज दिस। हम रामलीला पहुंच चुके हैं और ये रहा कुछ स्टेज। तुषार भाई कैसा फील कर रहे हो? अभी हम यहाँ पे देखेंगे रामलीला और खाएंगे साथ में मूंगफली। मन्नू भैया मांग रहे मूंगफली लेकिन हम इनको देंगे नहीं, क्या बोलते हो? नहीं नहीं, बड़ा कमीना भूखा है ना, अब पैसे नहीं है मेरे पास। आ जाओ आ जाओ, लाइक करो लाइक करो। बच्चों के रिएक्शन चेक कर रहे हो कि भाई मेरे को शर्म आ रही है। कितने से लोग देखते हैं जो हम आपको ब्लॉग में ले आए, शर्म आ रही है। आपको बीच में जो सीन यहाँ पे दिखाई जाएंगे ना रामलीला में, तो दिखाएंगे आपको। ओके गाइस, सो गाइस ये रहे साइड से आगे और यहाँ पे सब कुछ तैयार किया जा रहा है। मेकअप रूम, मेकअप रूम। अच्छा अच्छा, सकते हो सभी ड्रेसेस पड़ी हैं। राजकुमार, राजे, रावण, सो गाइस रामलीला स्टार्ट होने वाली है और जय अपने बजरंगबली जी की प्रतिमा यहाँ पे देख सकते हो, कितनी बड़ी प्रतिमा है। और तुषार भाई और तो बचपन से यहाँ पे रहते हैं, बट ये मेरे लिए लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ऐसी चीज करना। तो अब मुझे भी काफी ज्यादा फैमिलियर हो गए यहाँ पे कालाकोट में रह के ना, बट आप तो बचपन से यहाँ पे रहे हो ना। ये अभी बनी थोड़ी देर हुई है, 5-6 साल, 5-6 साल हो चुके हैं। देखो कितनी प्यारी प्रतिमा है बजरंगबली की। सो कमेंट्स में सारे जय श्री राम, जय बजरंगबली लिख देना आज भाई कसम से, और रामलीला की हर छोटी बड़ी चीज आपको दिखाएंगे। रिपोर्टर बैठे हुए थे उसी भेजे थे। सो गाइस अब 20 नवंबर हो चुका है, अब एंट्री होने वाली है परशुराम जी की। एक्साइटेड हो ना आप भाई? उनकी परशुराम जी आएंगे यहाँ थल्ली मच जाएगी, तो थल्ली कांपने लग पड़ेंगे भाई सभी। सो अभी उस चीज का वेट कर रहे हैं गाइस। ये प्रॉपर ट्रांजेक्शन करके वर्ड बोलता है, सो इसको गाइस सपोर्ट करो। सो हमने वो बोलना है जो लोगों को समझ आए, हमें वो नहीं करना की जो हमें अच्छा लगे, हमें वो करना जो आपको अच्छा लगे। सो प्लीज कमेंट्स में बताना कि रामलीला आपको कैसी लगी। छोटी छोटी शॉर्ट्स ले रहा हूँ, ज्यादा लेंथी हो जाएगा ब्लॉग इसलिए ज्यादा शॉर्ट्स ले। बच्चे देखो इधर क्यूट क्यूट से बच्चे। जय शंभू, जय शंभू। हे गाइस वेलकम बैक, और अभी मैं आ चुका हूँ रामलीला ग्राउंड से और अभी मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। इतनी जल्दी आने का सबसे मेन रीज़न ये है कि मुझे अभी जाके करना है डिनर, बाजार में मेरा रूम है। सो शॉप्स वगैरह बंद हो जाती हैं जल्दी, तो अभी जाएंगे सबसे पहले करेंगे डिनर, फिर जाऊँगा मैं रूम में। और काफ़ी ज़्यादा हेडेक होगी मेरे को वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर मैं छोटे बच्चों के साथ बैठा था और बच्चे काफ़ी ज़्यादा शोर करते हैं भाई, उनको 2-2 मिनट के बाद कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए। सो वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे चिल्लम चिल्ली कर रहे थे, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना जाते हैं रूम में, मेडिसिन वगैरह भी ले लूँगा, फिर रेस्ट कर लूँगा अच्छे से, ठीक है। सो होप करूँगा कि आपको भी रामलीला अच्छी लगी होगी। और मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस की है, पियर्सिंग कराई है मैंने, और फर्स्ट टाइम अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। सो होप करूँगा कि आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। कल फिर से जाएंगे रामलीला में, कल अगर कुछ अच्छे पार्ट्स होंगे, कुछ अच्छी चीज़ होगी तो मैं ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो होप करूँगा कि आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरह हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर बोलना। सो मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, बाय बाय, पीस आउट।